हेलो एवरीवन, आई एम हरिशंकर सैनी और आज इस वीडियो में हम जो हमारा लेसन वन है, दैट मींस यूनिट वन का फर्स्ट लेसन है रिलेशन एंड फंक्शन, उससे जो आगे के टॉपिक है वो पढ़ेंगे। मैंने लास्ट अपनी वीडियो में आपको बताया था व्हाट इज फंक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस में वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, और साथ ही मैंने लास्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज है हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.2, वो कवर की थी। नाउ अब उससे आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एंड आगे का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। व्हाट इज इन्वर्टिबल फंक्शन एंड हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन या हाउ टू प्रूव द फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में मेनली पूछा ही जाता है हमेशा। ऑलमोस्ट हर ईयर में आप देखेंगे तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल जाता है। सो वन वन ऑन टू मे भी शायद एग्जाम में ना आए, बट डेफिनेटली इन्वर्टिबल फंक्शंस एग्जाम में क्वेश्चंस इसका इंक्लूड होते ही होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपोजिशन फंक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इन्वर्टिबल फंक्शन देखते हैं। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। 11th में भी हमने कुछ फंक्शंस को कंपोजिट किया था। कंपोजिट मींस क्या होता है, दो फंक्शंस को आपस में ज्वाइन करना, दैट मींस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। सो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशंस क्या होती है और किस तरह से कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को हम फाइंड करते हैं। सो डेफिनेशन क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का। सो फर्स्टली हमने क्या कंसिडर किया, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी, दीज आर टू फंक्शंस। हमने कोई फंक्शन कंसिडर किया एफ, एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एंड अनदर फंक्शन कंसिडर किया जी फ्रॉम बी टू सी। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, फंक्शन एक्स सॉरी एफ, एंड बी इज द को डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, सेम एज जी सॉरी जो बी है, बी इज द डोमेन ऑफ फंक्शन जी एंड सी इज द को डोमेन ऑफ फंक्शन जी। दीज आर टू फंक्शंस फर्स्टली हमने कंसिडर कर लिया। नाउ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, दो फंक्शंस का कंपोजिशन एफ और जी का फंक्शंस, ये ऑब्वियसली एक फंक्शन होगा और इस फंक्शन को हम डिनोट करेंगे आइदर एफ ओ जी से अदरवाइज जी ओ एफ से। ऑब्वियसली दोनों वैल्यू सेम ही होती हैं, सो जी ओ एफ भी हम फाइंड कर सकते हैं और एफ ओ जी भी फाइंड कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी मैंने अभी यहां पर आपको बता दिया कि एफ ओ जी एंड जी ओ एफ सेम ही होता है, बट वो सभी फंक्शंस के लिए फॉलो नहीं करता है। सो वो केवल इन्वर्टिबल फंक्शंस के लिए इक्वल होता है। सो एफ ओ जी और जी ओ एफ डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो चलिए डेफिनेशन से पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सो जी ओ एफ अदरवाइज एफ ओ जी, सो ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है जी ओ एफ है या फिर एफ ओ जी है। सो जी ओ एफ को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, दिस इज अ फंक्शन, जी ओ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। मैं आपको एरर डायग्राम से भी शो करके दिखा दे रहा हूं, दिस इज अ सेट वन ए, दिस वन इज अनदर सेट बी एंड दिस वन इज अनदर सेट सी, एंड एफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इस तरह से शो कर देते हैं, एंड जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। सो f is a function from a to b and g is a function from b to c. Now, जरा देखें अगर कोई एक पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है x, so x की जो इमेज होगी अंडर x सॉरी f, वो इमेज क्या होगी, f x के इक्वल होगी एज इट इज, बिकॉज g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू c, सो एफ एक्स बी अ सिंगल पॉइंट अदरवाइज पॉइंट फ्रॉम इन द डोमेन ऑफ g. सो इस पॉइंट का इस जी के अंदर इमेज क्या होगा, दैट इज जी ऑफ एफ एक्स, और इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं जी ऑफ एक्स एक्स। सो हम दोनों में से किसी भी तरह से डिनोट कर सकते हैं। सो डेफिनेशन में हमने यही लिखा, जो कंपोजिशन है इधर एफ ओ जी से डिनोट करेंगे या फिर जी ओ एफ से डिनोट करेंगे। सो जी ओ एफ दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, बिकॉज हमने एफ एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी है और जी फंक्शन बी टू सी है। सो जी ऑफ एफ एक्स दिस वैल्यू इज फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। सो ये जो एफ ऑफ जी सॉरी जी ओ एफ फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, जी ओ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, एंड जी जी ओ एफ
एक्स की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स के इक्वल होगा। सेम वही है, जैसे एक्स कोई पॉइंट है उसका इमेज एफ एक्स होगा, देन जी के अंडर इस एफ एक्स का इमेज जी ऑफ एफ एक्स होगा। और इसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले इस यहां पर एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, देन जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो फंक्शन को कंपोजिट करते हैं। ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बता दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप चाहें तो टेक्स्ट बुक की जो डेफिनेशन है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, सेम वैसा ही है। सो मैं आपको इससे एक रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उससे आगे फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हमने कोई एग्जाम्पल कंसिडर किया, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड ऑल्सो जी इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ये हमने दो फंक्शंस कंसिडर कर लिया, एफ एंड जी एक्स, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन के वैल्यू कंसिडर कर लिया। हम समथिंग कुछ भी ले सकते हैं, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, इवन समथिंग जो भी लिखा जा सकता है वो आप लिख सकते हैं। बट उनका जो डोमेन है और रेंज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अगर हम स्टैंडर्ड फंक्शन लेते हैं तो। सो हमने क्या किया, कंसिडर कर लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे ही जी एक्स जो सेकेंड फंक्शन है उसको हम एक्स क्यूब कंसिडर कर लेते हैं। दीज आर टू फंक्शंस। नाउ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, दैट मींस आपको करना क्या है, फाइंड करना है एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, ये दो फंक्शंस फाइंड करना है, यानी फंक्शंस का कंपोजिशन फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया जी ओ एफ, जी ओ एफ एक्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ये किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एफ एक्स के इक्वल होगा। सो फर्स्टली हमने क्या किया, यहां पर जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जी, और एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज साइन एक्स। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। जी एक्स पहले हमने क्या किया, जी ओ एफ एफ एक्स, जो जो फंक्शन बाद में लिखा होता है सबसे पहले हम उसी को ऑपरेट करते हैं। सो पहले हमने क्या किया, एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, नाउ आप जी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो जरा देखिए, जी एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब, नाउ जी ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। सो हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पर इस साइन एक्स को रिप्लेस कर देंगे। सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू साइन एक्स इस पूरे टर्म का होल क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, दिस इज जी ऑफ एफ एक्स। ये जी ऑफ एफ एक्स या जी ओ एफ के इक्वल होगा। एंड इसी का सेकेंड पार्ट अब हम फाइंड करते हैं एफ ओ जी। सो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ जी एक्स, हम इस तरह से ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। नाउ हम सबसे पहले वैल्यू किसकी पुट कर लेंगे, जी एक्स की। सो एफ एज इट इज एंड जी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स क्यूब। नाउ एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमें ये पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, सो एफ ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, जस्ट इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। सो दिस इज जी ओ एफ एंड दिस इज एफ ओ जी। अब आप जरा देखें इन दोनों में एक्चुअली क्या है, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, ये दोनों ही वैल्यूज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। सो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि शो और फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ओ जी एंड जी ओ एफ एंड प्रूव दैट एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ, अदरवाइज एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। सो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आ सकता है। सो देखिए फंक्शन की जो वैल्यूज है ना, यानी एफ ओ जी एंड जी ओ एफ दोनों अनइक्वल है। अगर ये वैल्यू इक्वल होंगी तो वो क्या होगा, एक्चुअली जो फंक्शंस होंगे वो फंक्शंस थोड़ा स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस होंगे। सो चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। सो अब हमारा डेफिनेशन आता है, सेकंड डेफिनेशन, दैट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, व्हाट इज इन्वर्टिबल फंक्शंस। सो हमने सबसे पहले ये कंसिडर कर लेते हैं, लेट एफ f is set function from a to b and g is a function from b to c। ये हमने कोई दो functions consider कर लेते हैं, f is a function from a to b and g is a function from b to c, then if f o g is equal to g o
एफ। सो अगर क्या है, दो फंक्शंस हैं, और अगर क्या है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों आपस में इक्वल है, दैट मीन्स दीज टू फंक्शंस आर कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शंस। ये जो फंक्शंस हैं वो क्या कहलाएंगे, इन्वर्टिबल फंक्शंस कहलाएंगे। सो एफ एंड जी आर कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। एंड ऑल्सो, और साथ के साथ क्या होगा, ये दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन तो है, और साथ में एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का इन्वर्स कहलाएगा। ओके, सो इसमें क्या होगा, एफ इन्वर्स दिस इज इक्वल टू जी होगा, और एंड जी इन्वर्स दिस इज इक्वल टू एफ के इक्वल होगा। सो इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, कोई दो फंक्शन हमने कंसिडर कर लिए एफ एंड जी, और दो फंक्शन हमने इस तरह से कंसिडर किए, या दो फंक्शंस एक्चुअली इस तरह से हैं कि एफ ओ जी यानी इन दोनों का कंपोजिशन दो वो साइड से, इधर आप चाहे एफ को पहले लें या फिर जी को पहले लें। सो एफ ओ जी एंड जी ओ एफ अगर आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स ये दोनों फंक्शंस क्या कहलाएंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। ये फंक्शंस क्या कहलाएंगे, इन्वर्टिबल फंक्शंस कहलाएंगे, और साथ के साथ इसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शंस का इन्वर्स होगा। दैट मीन्स एफ का जो इन्वर्स है वो जी होगा, और जी का इन्वर्स क्या होगा, एफ होगा। सो इन्वर्टिबल फंक्शन का फाइनली डेफिनेशन क्या होगा, कोई भी फंक्शन जिसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। सो इफ द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज जिस, देन फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। सो इन्वर्टिबल फंक्शन को हम दूसरी तरह से या दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इफ सो इन्वर्टिबल फंक्शन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, कुछ भी हम डोमेन एंड को डोमेन कंसिडर कर सकते हैं इस फंक्शन की, इज सेट टू बी इन्वर्टिबल, इज सेट टू बी इन्वर्टिबल इफ इनवर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट। अगर एफ का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। सो इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली उस फंक्शन का इनवर्स यानी कोई एक दूसरा फंक्शन हम कंसिडर कर लेंगे जो उसका इनवर्स होगा, और अगर उन दोनों का कंपोजिशन बोथ साइडेड यानी एफ ओ जी और जी ओ एफ आपस में अगर इक्वल आ जाते हैं, दैट मीन्स वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। ओके, सो इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करने के लिए हम एक और मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये तो एक फर्स्ट मेथड हो गया कि हम क्या करें, फर्स्ट मेथड आपका क्या है कि कोई एक जी फंक्शंस कंसिडर करें, और वो जी फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। एफ कोई एक फंक्शन है और हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे जी, अनदर कोई फंक्शन जी फाइंड कर लेंगे, देन एफ ओ जी एंड जी ओ एफ दोनों को आपस में इक्वल इक्वल प्रूव कर देना है। अगर ये दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल इक्वल है, इट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन एंड जी इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ऐसे ही जी भी इन्वर्टिबल कहलाएगा और जी का जो इनवर्स है वो एफ होगा। सो एक तो ये तरीका हो गया फर्स्ट मेथड इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करने का। नाउ एक सेकेंड मेथड भी है, सेकेंड मेथड में हम कैसे प्रूव करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो भी डेफिनेशन लिख देते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन का। इफ ए सॉरी आ एफ एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, बी अ फंक्शन एंड इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, then inverse exist। so another definition क्या है, f कोई अगर function है from a to b, और ये हमने कोई एक function consider कर लिया, और जो f function है that is one one and on two दोनों ही है, injective भी है and surjective भी है,
इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एक साथ को हम उसे बाइजेक्टिव कहते हैं. बाइजेक्टिव मीन्स फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू. ओके, सो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है दैट मीन्स फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है. दैट मीन्स फंक्शंस का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा. यानी फंक्शंस का इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, सो फंक्शंस क्या कहलाएगा? सो एफ एफ इज कॉल्ड इनवर्टिबल फंक्शन. वो इनवर्टिबल फंक्शन कहलाएगा. सो इनवर्टिबल फंक्शन को हमने दो तरह से डिफाइन किया, आइदर दिस वन और दिस वन. इसमें हमने क्या किया, कोई एक फंक्शन गिवन है हमें, हमने जी कोई फाइंड किया फंक्शन, नाउ एफ ओ जी एंड जी ओ एफ की वैल्यू फाइंड की. अगर दोनों आपस में इक्वल है दैट मीन्स वो फंक्शन क्या कहलाएगा? इनवर्टिबल फंक्शन कहलाएगा. एंड जी इस फंक्शन का इनवर्स कहलाएगा. अनदर डेफिनेशन है, कोई एक फंक्शन है और फंक्शन कैसा हो? वन वन एंड ऑन टू. दैट मीन्स फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. सो ये बोथ साइडेड डेफिनेशन है. दैट मीन्स अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स फंक्शन अगर इन्वर्टेबल है सो वो फंक्शन डेफिनेटली वन वन एंड ऑन टू होगा. सेम एस अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है सो वो फंक्शन इन्वर्टेबल भी होगा. सो किसी भी फंक्शन को इन्वर्टेबल प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे? दैट फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू. फंक्शन को हम वन वन प्रूव कर देंगे एंड ऑन टू प्रूव कर देंगे. सो वन वन ऑन टू प्रूव कर देंगे दैट मीन्स वो फंक्शन क्या प्रूव हो जाएगा? इन्वर्टेबल फंक्शन. एक और भी चीज है, एरो डायग्राम से समझा देता हूं मैं आपको. ए ए इज अ फंक्शन सॉरी सेट एंड बी इज अनदर सेट एंड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. एफ क्या है? कोई एक फंक्शन है ए टू बी. यानी इट मीन्स एक्स कोई एक पॉइंट है. सो इस एक्स की इमेज क्या होगी? दैट इज वाई. वाई इज इक्वल टू हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं. ओके, सो अगर एक्स कोई एक पॉइंट है सो एक्स का जो इमेज है वो क्या कहलाएगा? एफ एक्स होगा इस फंक्शन के अंडर. देन इनवर्स, अगर ये फंक्शन इनवर्टिबल है सो इनवर्टिबल है इट मीन्स फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है. सो जो एफ इनवर्स है वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा? फ्रॉम बी टू ए. इनवर्स मीन सिंपली सेम वही है. अगर एफ ए टू बी लाई कर रहा है सो बी क्या होगा, सॉरी एफ इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए एग्जिस्ट करेगा. सो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन एफ इनवर्स इज ऑल्सो अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए. बिकॉज एफ इनवर्स फंक्शन है सो फंक्शन की डेफिनेशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए. दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाई होने का मतलब जो कंडीशन है, कंडीशन क्या कहती है फंक्शन की? कि हर पॉइंट का, यानी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का कुछ ना कुछ यूनिक इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए. सो फंक्शंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सारे पॉइंट्स की इमेज होनी चाहिए दैट मीन्स राइट साइड में कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं छूटना चाहिए. बिकॉज कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए, यानी उसका कुछ ना कुछ प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा. दैट मीन्स जो फंक्शन है फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू फंक्शन. और बिकॉज फंक्शंस की इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए. यानी इधर जो पॉइंट है उसका केवल एक ही इमेज लाई करना चाहिए. ठीक है, सो जब एक ही इमेज लाई करना चाहिए दैट मीन्स फंक्शन क्या होना चाहिए? वन वन भी होना चाहिए. सो दैट मीन्स अगर कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा. सो ये हम अगर प्रूव कर दें तो फंक्शन इनवर्टेबल प्रूव हो जाएगा. सो मैं अब आपको एक क्वेश्चन प्रूव करके दिखा देता हूं और मैं इन दोनों ही मेथड से प्रूव करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दोनों मेथड सेम ही हैं. दोनों से आप कुछ भी, यानी दोनों में से आप कोई सा भी प्रूव कर सकते हैं एग्जाम में और आप फुल स्कोर कर सकते हैं. एक मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और फिर उसके बाद एक थोड़ा लेंदी जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलिए स्टार्ट करता हूं. सो जो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े सिंपल से ही हैं. वो आप थोड़ा अपने आप ही करें. मैं थोड़े जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दे रहा हूँ. सो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 से एक्चुअली स्टार्ट होता है. या फिर ऐसा करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन दे रखें और क्वेश्चन में कहा स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स. ये आपको बताना है कि फॉलोइंग फंक्शन इनवर्स है या फिर नहीं है. इनवर्स होने के लिए फंक्शंस कैसा होना चाहिए? वन वन एंड ऑन टू. सो मैं कोई एग्जांपल ले दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट केवल सेकंड पार्ट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं और रिमेनिंग आप पार्ट जो दो पार्ट है वो आप अपने आप करें. और क्वेश्चन नंबर 5 से पहले के जो पार्ट है ना वो अगर मैं नेक्स्ट अगर आपको प्रूव करके दिखा दूं, यानी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूं, तो रिमेनिंग क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे. सो जो डिफरेंट क्वेश्चन है हर टाइप का मैं आपको एक एक बता दे रहा हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन गिवन है जी इज अ फंक्शन
फ्रॉम सेट के बने हैं 5, 6, 7 एंड 8, फ्रॉम दिस सेट टू 1, 2, 3 एंड 4। जी कोई एक फंक्शन है फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड जी दिस इज द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और हम इसे रेंज भी बोल सकते हैं। सो फंक्शन हमें क्या गिवन है, जी जी कोई एक फंक्शन गिवन है, जी इज इक्वल टू गिवन है 5, 4, नेक्स्ट इज 6, 3, द नेक्स्ट वन इज 7, 4 एंड 8, 2। बिकॉज एग्जाम में अब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, सो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो क्वेश्चन गिवन ये है कि जी कोई एक फंक्शन है, फंक्शन को हमने इस तरह से डिफाइन किया, सो अब आपको ये बताना है दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल और नॉट। आपको ये बताना है कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। सो इन्वर्टेबल फंक्शंस के लिए कंडीशंस क्या होती है, इन्वर्टेबल फंक्शन इज 1, 1 एंड ऑन 2, यानी जो भी इन्वर्टेबल फंक्शन होगा वो डेफिनेटली 1, 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। सो इस फंक्शंस में जरा देखें हम क्या करते हैं, इसे एरो डायग्राम से करते हैं, उससे क्या होगा आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप एरो डायग्राम से भी एग्जाम में कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली थियोरेटिकली भी शो कर सकते हैं। अगर आपको एरो डायग्राम समझ आ रहा है इट मीन्स थियोरेटिकली भी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सो जी ये हमें कोई फर्स्ट सेट दे रखा है, इसको मैंने ए कंसिडर किया, इस सेट को बी कंसिडर किया। जी में पॉइंट्स क्या क्या गिवन है, 5, 6, 7 एंड 8, यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4। नाउ 5 की इमेज क्या गिवन है, 4, यानी 5 रिलेट है किससे, 4 से। 6 की इमेज क्या गिवन है, 3। 7 की इमेज क्या गिवन है, 4। 8 की इमेज क्या गिवन है, 2। सो अब जरा देखें एरो डायग्राम से आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा कि क्या ये जो फंक्शन है जी 1, 1 है। 1, 1 मीन्स एक पॉइंट का एक इमेज, बट जरा देखें यहां पर दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक 5 और दूसरा 7। 5 और 7 दोनों का इमेज क्या आ रहा है, सेम, यानी सेम ही इमेज लाई कर रहा है, दैट मीन्स 4। सो इट मीन्स जो फंक्शन गिवन है दैट इज नॉट 1, 1 फंक्शन, ये 1, 1 फंक्शन नहीं है। ऐसे ही ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए फंक्शन 1, 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए, वो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर उन दोनों में से कोई सी भी एक सेटिस्फाई नहीं हो रही है इट मीन्स फंक्शन 1, 1 नहीं होगा। सो यहां पर क्या है, फंक्शन 1, 1 भी नहीं है और साथ के साथ देखें ऑन टू, ऑन टू मीन्स क्या होता है कि राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका कुछ ना कुछ प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। बट जरा देखें बी सेट में एक 1 एलिमेंट बच गया, 1 एलिमेंट्स का कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो 1 एलिमेंट्स ब्लैंक छूट रहा है, खाली छूट रहा है, इट मीन्स ये जो फंक्शन है फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। सो हम इसमें रीजन क्या दिखाएंगे, जी हैज नो इनवर्स। जी क्या, जी का कोई भी इनवर्स नहीं होगा बिकॉज जी फर्स्ट पार्ट में हम ये भी लिख सकते हैं जी इज नॉट नॉट 1, 1 और हम ये भी लिख सकते हैं जी इज नॉट ऑन टू। जी 1, 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, और हम दोनों भी लिख सकते हैं, केवल एक ही है डिस्प्रूव करने के लिए, केवल एक एग्जांपल ही सफिशियंट होता है। तो बिकॉज ये 1, 1 नहीं है इट मीन्स ये फंक्शन जो फंक्शन गिवन है वो 1, 1 इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 और 8 और इससे आगे के कुछ क्वेश्चन सेम ही है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे थोड़ा डिफिकल्ट आपको मिल सकता है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है देन मीन्स नेक्स्ट पार्ट भी समझ आ जाएगा और उस जैसे आपको एग्जांपल भी गिवन है। सो क्वेश्चन गिवन है कंसिडर एफ, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर प्लस, आर प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर टेंस टू, एक कोई सेट गिवन है दैट इज दैट इंटरवल इज 4, ∞। सो एफ, एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर प्लस टू दिस सेट एंड डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये कोई एक फंक्शन गिवन है, अब हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल। हमें प्रूव करना है कि एफ क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन है, और साथ के साथ उस इन्वर्टेबल फंक्शन का इन्वर्स भी फाइंड करना है।
फंक्शंस का क्या फाइंड करना है, इनवर्स भी फाइंड करना है। चलिए करते हैं। अब इन्वर्टिबल प्रूव करने के हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट वन जो हमने किया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की हेल्प से, या फिर वन वन और ऑन टू प्रूव के ऑन टू प्रूव करके। सो मैं आपको दोनों ही टाइप से क्वेश्चंस करके दिखा दे रहा हूं, जिससे होपफुली आपको दोनों ही मेथड क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में आप कोई सा भी लिख सकते हैं। सो चलिए मैं पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस यानी जो फर्स्ट मेथड है उससे प्रूव करके दिखाते हैं। फर्स्ट मेथड करते हैं। फर्स्ट मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शंस की हेल्प से जो एफ गिवन है, एफ की हेल्प से हम जी फाइंड कर लेंगे। जी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमें गिवन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 गिवन है। सो जो भी fx है, fx को हम y के इक्वल पुट कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, यानी fx इज इक्वल टू हमने क्या पुट कर लिया, y, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। नाउ अब इस फंक्शन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो जरा देखें, एक्स स्क्वायर दिस वैल्यू इज इक्वल टू वाई माइनस 4। सिंपली माइनस 4 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस 4 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, अंडर रूट y माइनस 4 के इक्वल होगा। अब जरा देखें, मैंने यहां पर प्लस माइनस साइन नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया, बिकॉज यहां पर जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, केवल पॉजिटिव वैल्यूज हैं। केवल पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो नेगेटिव वैल्यूज यहां पर कहीं भी आएंगे ही नहीं, इसलिए यहां पर माइनस साइन लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यूज ना करें। सो ये फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड जी एक्स। यानी अगर एफ एक्स हमें गिवेन है और हम जी फाइंड जो नेक्स्ट फंक्शन है वो फाइंड कर रहे हैं, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो हम लिख लेते हैं, लेट जो हमने कंसिडर किया जी वाई, जी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, y माइनस 4 स्क्वायर रूट, बिकॉज ये जी वाई है। आप चाहें तो इसे जी एक्स भी लिख सकते हैं, जी एक्स दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 4। सो हमने जी वाई से ही जी एक्स की वैल्यू लिख ली। सो आई होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी फंक्शन गिवन है उसे y के इक्वल पुट किया और यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। जो भी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू y के टर्म्स में आएगी, सो इस फंक्शन को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, जी वाई कंसिडर कर लेंगे। और आप चाहें तो जी वाई से जी एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, कंपोजिशन फाइंड करते हैं। कंपोजिशन के लिए सबसे पहले हमने एफ ओ जी फाइंड किया। नाउ अब हमने फाइंड किया जी ऑफ एफ, सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। सो एफ एज इट इज जी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 4। द नेक्स्ट एफ ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 4 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो एफ ऑफ रूट एक्स माइनस 4, यानी हम क्या करेंगे, इसमें एक्स के प्लेस पर अंडर रूट एक्स माइनस 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो रूट एक्स माइनस 4 इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर प्लस 4। नाउ इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, सो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स माइनस 4 प्लस 4, दैट मीन्स ये दो वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। द नेक्स्ट हम करते हैं जी ओ एफ फाइंड करते हैं। अब जरा देखें, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। नाउ जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वाइड कर लेते हैं वैल्यू, तो जी एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स माइनस 4, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिए हम एक्स के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट, 4 से 4 कैंसिल है और ये वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स के इक्वल। सो जरा देखें, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल इक्वल आ रहे हैं। सो लिख लेते हैं, सिंस जी ओ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, एंड ये इक्वल हैं किसके, एक्स के इक्वल। जो इन्वर्टिबल जो पहले मैंने थोड़ा सा बताया था उसमें एक चीज छूट गई थी, कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं वो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, और साथ के साथ वो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए किसके, आई के, एक्स के इक्वल। एंड एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शंस कहलाता है। सो इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है, अगर दो फंक्शन को हम कंपोजिट करें और वो वैल्यू इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स कहलाता है। सो उसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि एफ ओ जी और जी ओ एफ आपस में इक्वल होने चाहिए, साथ के साथ वो इक्वल किसके होने चाहिए, एक्स के इक्वल होना चाहिए। सो बिकॉज ये एक्स के इक्वल आ रहा है, सो इट मीन्स क्या होगा, जो एफ है
एफ इज इनवर्टिबल फंक्शन। एक्स इनवर्टिबल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और एक्स का इनवर्स भी फाइंड करना था हमने इसके इस मेथड में। सो इनवर्स क्या होता है, जो हमने एफ एक्स की वैल्यू फाइंड की है, सॉरी जो दूसरा फंक्शन है जी एक्स, जी एक्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। सो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस फोर। ये एक्स माइनस फोर के इक्वल होगा। हम चाहें तो वाई माइनस फोर भी ले सकते हैं और एक्स माइनस फोर भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी लिखें, दोनों ही करेक्ट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम वाई में भी लिख सकते हैं और एक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये इसका इनवर्स कहलाएगा। दिस इज द आवर फर्स्ट मेथड, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। चलिए मैं आपको सेकंड मेथड भी बहुत जल्दी से बता देता हूं। सेकंड मेथड में क्या है, हमको प्रूव करना है दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों है, दैट मींस फंक्शन इनवर्टिबल कहलाएगा। सो सेकंड मेथड में फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करते हैं फंक्शन इज 1 1। सो 1 1 फंक्शंस के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, वो केवल 1 1 फंक्शन पर ही बेस्ड थी। सो 1 1 फंक्शंस के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं, लेट एक्स वन एंड एक्स टू, दो हमने कोई पॉइंट्स कंसिडर किए फ्रॉम डोमेन, और डोमेन यहां पर क्या गिवन है, आर प्लस। सो हमने दो पॉइंट्स कंसिडर किए आर प्लस से, और दो पॉइंट्स इस तरह से हमें ले लें सच दैट एफ ऑफ एक्स वन वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल इक्वल है। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दिस वन एक्स वन स्क्वायर प्लस फोर, ये एक्स टू स्क्वायर प्लस फोर, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर इज एक्स टू स्क्वायर। अब बोथ साइड हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। मैंने यहां पर प्लस माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, बिकॉज एक्स वन एक्स टू दोनों कैसी है, पॉजिटिव क्वांटिटी, जब दोनों ही प्लस क्वांटिटी है तो माइनस साइन आएगा ही नहीं। सो एक्स वन एक्स टू के इक्वल है, इट मीन्स जो फंक्शन है एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन होगा। नाउ इसके सेकेंड पार्ट में अब हम ऑन टू प्रूव कर लेते हैं। सो ऑन टू के लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम y को एफ एक्स के इक्वल पुट कर लेंगे। सो हमने ये कंसिडर कर लिया, लेट y बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड सेट, दैट मीन्स इसका कोडोमेन के इक्वल है। सो 4, इन्फिनिटी, और y इक्वल टू हम क्या पुट कर लेंगे, एफ एक्स के इक्वल पुट कर लेंगे। सो एफ एक्स इज इक्वल टू हम y पुट कर लेते हैं। नाउ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू y। अब हमने क्या किया, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस फोर और इसका स्क्वायर रूट, ओके। अब हम क्या करें, यहां पर भी दो मेथड है। सो दो मेथड कौन कौन से हैं, आइदर आप ये दिखा दो कि y की सारी वैल्यूज के लिए जो x है वो x कहां लाई कर रहा है, r प्लस में, दैट मीन्स x वैल्यू पॉजिटिव होगा, या हम इस फंक्शन का रेंज फाइंड कर लें जो हमने क्लास 11th में फाइंड करते थे। अगर किसी भी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सो रेंज वाला मेथड आप अपने आप करें, मैं केवल यहां से वैल्यू फाइंड आउट करके बता देता हूं कि किस तरह से ये ऑन टू प्रूव होगा। सो अब हम ये लिखते हैं, वाई की वैल्यू हमें कहां से स्टार्ट हो रही है, फोर से। सो अगर हम वैल्यू यहां पर फोर पुट करें, सो फोर माइनस फोर क्या होगा, जीरो, एंड जीरो इज पॉजिटिव नंबर। अब फोर के बाद कोई सा भी पॉइंट कंसिडर करेंगे ना, सो ये जो वैल्यू है वो डेफिनेटली क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। जब पॉजिटिव होगी सो पॉजिटिव वैल्यू का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, और वो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो वैल्यू कैसा आएगा, एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक सिंपल सा लाइन लिख दें यहां पर, वो सभी में एडमिसिबल हो जाता है, अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो। सो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई ऑफ y बिलोंग्स टू 4 to infinity। जब हम x की y की कुछ भी वैल्यूज पुट करें इस फंक्शन में, देन दे एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r प्लस सच दैट fx इज इक्वल टू y। सो अगर आप इस तरह से एक लाइन लिखकर दिखा देना तो ये भी फंक्शंस के लिए सफिशियंट है। हमने क्या कंसिडर किया, वाई की जो सारी वैल्यूज हैं, इन सारी वैल्यूज को हम यहां पर पुट करेंगे ना, सारी वैल्यूज, बिकॉज रियल नंबर सेट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो हम पुट करके नहीं दिखा सकते हैं। बट जरा देखें वैल्यू क्या है, फोर से ग्रेटर है। जब हम फोर से ग्रेटर यहां वैल्यू पुट करेंगे, सो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव।
पॉजिटिव होगा, सो एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर है, इट मीन्स यहाँ पर लाई कर रहा है, यानी फंक्शंस क्या होगा, ऑन टू होगा, यानी एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, बिकॉज फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, फंक्शन वन वन ऑन टू है, इट मीन्स जो फंक्शन होगा एफ एक्स इज इन्वर्टिबल फंक्शन. इन्वर्टिबल फंक्शन है सो हम इसका इन्वर्स भी लिख सकते हैं. सो एफ इनवर्स वाई की जो वैल्यू है, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस फोर, जो एक्स की वैल्यू होती है, दिस इज इनवर्स फंक्शन, यही इनवर्स फंक्शन होता है. सो हम एफ इनवर्स वाई भी लिख सकते हैं या फिर एफ इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं. अगर आप एफ इनवर्स एक्स लिखना चाहो तो यहां पर वाई के प्लेस पर आप एक्स भी लिख सकते हो, एक्स माइनस फोर, ये इनवर्स फंक्शन होगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इनवर्स फंक्शन को, दोनों ही करेक्ट है. ठीक है, सो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सो होपफुली आपको ये मेथड समझ आ गया होगा. मैंने सेम क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से करके दिखाए. अब आप क्या करें, जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आप करके देखें, और जो भी डाउट होगा वो हम कल के जो टाइम हमारा अलॉटेड है उस टाइम में जो डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच.